नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कोरोना के कोहराम के बीच भी सियासत नॉन स्टॉप जारी है। शायद यही सियासत का फलसफा है कि कभी बंद नहीं होती है। आपको बता दें, कोरोना संकट काल में जहां कांग्रेस पार्टी के अग्रिम संगठन यूथ कांग्रेस की राष्ट्रीय फलक तक में चर्चाएं हैं सामाजिक सरोकारों के लिए, जिस प्रकार से यूथ कांग्रेस इस संकट काल में कार्य कर रहा है उसकी लोग सोशल मीडिया से लेके तमाम जगह तारीफें कर रहे हैं, जिस प्रकार से यूथ कांग्रेस के लोग मदद कर रहे हैं। लेकिन वही बात राजस्थान में करें तो राजस्थान में यूथ कांग्रेस में घमासान मच गया है। दरअसल यहां घमासान किसी और चीज को नहीं बल्कि वर्चस्व को लेकर ही मचा हुआ है, और यह घमासान भी सचिन पायलट और अशोक गहलोत के युवा नेताओं के बीच मचा है। दरअसल खबर है कि जो गणेश घोघरा हैं और इनके अलावा जो अन्य पदाधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं सहयोग नहीं कर रहे हैं एक दूसरे का, जिसको लेके लंबे अरसे से ये विवाद चल रहा था। और इसका नतीजा ये हुआ कि 50 से ज़्यादा पदाधिकारियों को नोटिस तक दिया गया, लेकिन नोटिस का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा और जो सियासी जख्म थे वो नासूर बनते चले गए। नतीजतन परिणाम ये हुआ कि अब नौबत सर्जरी तक की आ गई है, यानी पदाधिकारियों को हटाने, नए पदाधिकारियों को लगाने तक की बात सामने आने लगी है। अब आपको बताते हैं कि दरअसल ये विवाद शुरू कहां से हुआ। दरअसल यूथ कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष थे पहले वो थे मुकेश भाकर। मुकेश भाकर सचिन पायलट के शागिर्द विधायक माने जाते रहे। जब राजस्थान की सियासत में दौरे बाड़े बंदी चला तब मुकेश भाकर सचिन पायलट के साथ मानेसर चले गए, और जब तक मानेसर से लौट के आए तब मुकेश भाकर को यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का पद गंवाना पड़ गया। नतीजतन गहलोत सरकार और तमाम जो पदाधिकारी थे उस वक्त, उन लोगों ने यह फैसला लिया कि यूथ कांग्रेस का जो प्रदेश अध्यक्ष है वो गणेश घोघरा को बना दिया जाए, जो मौजूदा वक्त में विधायक भी हैं। इसके बाद से जो मुकेश भाकर, सुमित बगासरा, अमरदीन फकीर के जो पैनल के लोग जो चुनाव जीत कर आए थे, उनके और गणेश घोघरा के लोगों के बीच में टसल शुरू हो गई। मतलब इस चीज को सामान्य शब्दों में ऐसे समझ लीजिए कि सचिन पायलट के जो समर्थक युवा नेता थे और जो मुख्यमंत्री गहलोत समर्थक जो युवा नेता थे, उनके बीच में आपसी विवाद शुरू हो गया वर्चस्व को लेके। जाहिर तौर पर विवाद का शुरू होना लाजमी था, विवाद उस वक्त भी शुरू हुआ था। मुकेश भाकर ने यह भी कहा था कि कैसे एक चुने हुए अध्यक्ष को हटा दिया गया, कैसे गणेश घोघरा को अध्यक्ष बना दिया गया। खबर तो यहां तक आई थी कि उस वक्त ही मुकेश भाकर लग रहा था कि यूथ कांग्रेस दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ जाएंगे। इसका नतीजा ये था कि यूथ कांग्रेस के बाहर उस वक्त पहरा बैठा दिया गया था ताकि किसी भी प्रकार का पॉलिटिकल ड्रामा क्रिएट ना करने पाए मुकेश भाकर। लिहाजा अब जो मौजूदा स्थिति है वो स्थिति बेहद ही विकट है। जहां कांग्रेस पार्टी में भी घमासान मचा हुआ है, वहीं यूथ कांग्रेस में भी अब सिर्फ उटब्बल जैसी स्थिति बन गई है। बहरहाल अब देखना यह होगा कि जिस प्रकार से गणेश घोघरा के खिलाफ जो असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा है, उस आंदोलन का होता क्या है। क्या यहाँ पर बड़ी सर्जरी की जाती है, पदाधिकारी इधर से उधर किए जाते हैं, और यदि ऐसा होता है तो फिर देखना ये होगा कि क्या मुकेश भाकर एक बार फिर से मुखर होकर सामने आएंगे, क्योंकि जितना सामान्य ये घटनाक्रम अभी तक नजर आ रहा था उतना सामान्य अब कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि जो लड़ाई है आपस की वो चरम पर पहुंच गई है। लिहाजा कहीं ना कहीं ये प्रदेश प्रभारी अजय माकन के समक्ष भी एक बड़ी चुनौती है कि आखिर ऐसे क्या कारण है कि ना तो कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक रहता और ना ही अब युवा कांग्रेस में कुछ ठीक रह रहा है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है और कैसे इन तमाम विवादों पर सामंजस्य बैठाया जाएगा, कैसे बीच का रास्ता निकाला जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। दोस्तों, कोरोना काल में हम बार बार अपने दर्शकों से ये अपील करते हैं कि आप अपने घर और परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, घरों से बाहर
बेवजह ना निकले, हम आपके और आपके परिवार के स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। कल फिर हाजिर होंगे सियासत की दिलचस्प खबर लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।